तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की बैठक पर बैठक जारी है। एमपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। उधर प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। टिकट की आस में कई बड़े और युवा नेता हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जिनका सियासी करियर भी दांव पर लगा हुआ है। इस बार का लोकसभा चुनाव दिग्गजों के सियासी सफर का भी फैसला करेगा। एक बीजेपी है जो हर बार अपने फैसलों से चौंका देती है। टिकट बंटवारों को लेकर भी बीजेपी एक बार फिर से चौंका सकती है। तो कांग्रेस इस बार युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी में है। अपनी लोकसभा की पूरी प्रिपरेशन टिकट वितरण की कर ली है। पैनल्स बन गए हैं। सही समय पे टिकट वितरण होगा और सही समय पे मतलब किसी प्रकार की ये गुंजाइश की लेट हुए, समय पे नहीं हुए, कोई उसमें से नेगेटिविटी निकले वो समय नहीं आएगा, पॉजिटिविटी निकले। मैंने जैसा पहले भी कहा है, 50% टिकट हमने निर्णय लिया युवाओं को देंगे। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर अप्रासंगिक हो गई है। उनके नेता अस्तित्व खो चुके हैं। तो कुल मिलाकर टिकट को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टिकट को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। इस लिस्ट में एमपी के कई प्रत्याशियों का ऐलान होने की संभावना है। अब किस किस को टिकट मिलता है ये तो लिस्ट आने पर पता चलेगा, लेकिन आज की महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी वो सवाल आपको दिखाते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, पुराने की जगह नए चेहरों पर क्या बीजेपी इस बार दांव लगाएगी? क्या इस बार नए और फ्रेश फेसेस नजर आएंगे? सवाल नंबर दो, विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा का टिकट क्या दिया जाएगा? यह है दूसरा सवाल आज की महाडिबेट का। तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या कांग्रेस लगा पाएगी बीजेपी की रणनीति में सेंध? कहा यह जा रहा है जो पहले उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर देगा उसको एक एज मिल जाएगी, उसके उम्मीदवारों को टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। और विधानसभा चुनाव का हाल देखने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब जल्द से जल्द अपनी लिस्ट को रिलीज कर सकती है। और महा डिबेट के आज ये तीन बड़े सवाल रहेंगे। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए खास गेस्ट पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं ब्रजगोपाल लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज, यश भारतीय हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सतीश एलिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में सूर्य प्रकाश मैथिल जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल लोया जी आपसे मेरा रहेगा, सीसी की बैठक जारी है, कितने नाम आ जाएंगे आज बाहर? नाम आएंगे ये तो चुनाव समिति की बैठक के बाद आपको और हमको सबको पता लगेगा, परंतु हम आज लगभग जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार लगभग देश भर की 100 से 120 सीटों पर मंथन जिन पर हो चुका है उनकी घोषणा करने की जो पहले संभावना है पार्टी की उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। और किस सीट को रोकना है, किसको कब डिक्लेयर करना है, ये केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड का काम है। जो आपने जितने प्रश्न उठाए हैं उनका मैं आप कहें तो बिंदु बार जवाब दे सकता हूं कि युवाओं को हम तरजीह देंगे, हम नारी शक्ति को तरजीह देंगे, परंतु अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ भी साथ साथ में लेंगे। केवल एक तरफा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सब तरह के समावेशी सूची भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये आने वाले समय में आप देखेंगे। एक और आपने प्रश्न किया था सर, पूरी डिबेट नहीं होने देंगे क्या, कहीं जल्दबाजी में कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आप अपने तरीके से चला सकते हो। अपर्णा जी जी बहुत धन्यवाद लोया जी। अब्बास हफीज साहब, कमलनाथ जी का भी बयान आ चुका है पहले ही कि वो चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, तो ऐसे में पहले ही थोड़ा समय लेते हुए ही उम्मीदवार अनाउंस कर दिए जाए। आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, कांग्रेस की तैयारी? मतलब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वर्किंग कमेटी की अगर बैठक आप देखें अपर्णा जी, तो शायद 20 से 25 दिन हो चुके हैं। वर्किंग कमेटी कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, स्क्रीनिंग कमेटी की। स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बना चुकी है, पैनल्स अपने आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारी चल रही है, तो कुछ देरी उसकी वजह से जो अनुमान लगाया था पहले पार्टी ने उसके हिसाब से थोड़ा सा अंधेर होगी, लेकिन समय से पहले भाजपा के साथ साथ या भाजपा से पहले हमारी सूची भी आना शुरू हो जाएगी। दिन वैसे भी अब बहुत बचे नहीं हैं और हमारा पार्टी अध्यक्ष जो है हमारे, वो पहले भी बयान दे चुके हैं, युवाओं को जितना मौका मिल सकता है संभावना उससे ज़्यादा दिया जाएगा। और ये तो हमने हमेशा से कहा है कि मार्गदर्शक मंडल हमारे यहाँ पे नहीं है, जो लोया जी अभी कह रहे हैं कि सबका मिश्रण होगा, हमारे यहाँ जो अनुभवी नेता हैं उनको, जो युवा है उनको, महिलाओं को,
जातिगत समीकरण साधते हुए कितने कौन किस संख्या में है उसके हिसाब से उसको मौका मिले, ये सारा कांग्रेस की वर्किंग चल रही है। और बहुत जल्द बहुत ही अच्छे प्रत्याशी जनता के बीच जो आएंगे, जो जनता के का मन में भी रहते हैं और जनता के दिल में भी रहते हैं, जनता के साथ रात दिन रहते हैं हर संघर्ष में, ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देंगे। आखिरी बात कहूंगा, अपनी बात को पूरी करूंगा, भारतीय जनता पार्टी क्या चिंतन मंथन कर रही है? तो बाहरी प्रत्याशी देती है, भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है भिंड की है वो प्रत्याशी बनाई गई, माननीय बीडी शर्मा जी खजुराहो से प्रत्याशी बनाए गए वो भी भिंड के आसपास से ही आता है, ग्वालियर चंबल से। ऐसे ही अगर आप टीकमगढ़ के देखें, खटीक साहब जो मंत्री भी है वो सागर के हैं, टीकमगढ़ से उनको सांसद बनाया जाता है। भाजपा जनता के बीच से निकाल के बाहरी प्रत्याशी को लाके और इधर के प्रत्याशी को उधर भेज के बस अपनी राजनीति चलाती है, तो ये इनका चिंतन मंथन हो सकता है। हमारा कैंडिडेट लोकल हो और बेस्ट हो, ये हमारा चिंतन मंथन नहीं। आप लोकल को लेकर आने की बात कर रहे हैं, लोकल और बेस्ट, लेकिन भाजपा बीजेपी बाहरी लेकर आती है लेकिन जीत जाता है। सतीश अहलिया जी, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? विनेबिलिटी मैटर करती है नहीं करती आज की, अगर हम राजनीति के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो? नहीं नहीं, वो ये जो अभी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर भिंड की हैं और दिग्विजय सिंह भोपाल के थे, उनके सामने 4 लाख वोटों से जो हारे वो तो राघोगढ़ के हैं, गुना के हैं, तो ये कोई फार्मूला नहीं होता। विनेबिलिटी देखती है पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी सतीश जी। नहीं नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, दिग्विजय सिंह भोपाल के नहीं है। आपने आप जो प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है कि वो भिंड की है, मुझे भी ये पता है कि वो सागर टीकमगढ़ से लड़ते हैं और सागर के हैं। वीरेंद्र कुमार, बीडी शर्मा भी भिंड के हैं और वो खजुराहो से सांसद हैं, मुझे पता है। और मुझे लगता है मुझे आपसे ज्यादा पता है चीजें। बात क्या गलत तर्क से अपन बात शुरू करेंगे और फिर ये कहेंगे कि भाजपा के हैं क्या? हाँ फिर ना, तो एक, फिर एक, एक, एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल भोपाल के में ही गुजरा हो 10 साल, उनकी बात अलग हो जाती है। तो फिर वोट कितने मिले, कितने वोट से जीते फिर वो भोपाल में गुजरे? तो ये बात नहीं है, बात होती है विनेबिलिटी की, चुनाव विनेबिलिटी होती है। नहीं नहीं, लेकिन देखिए बाहरी बाहरी होता है ना, मतलब जनमत जो दिग्विजय सिंह को यदि नकार देता है तो वो जनता को बरगला रही है बीजेपी, ये मतलब है। भाई जनमत को स्वीकार करना चाहिए ना हमको। और ये प्रत्याशी कहां से तय? न्यूट्रल अंपायर की भूमिका निभानी थी आपने, तो भाजपा की प्रवक्ता की भूमिका निभा दी। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना भैया, आपने कहा कि आप भाजपा के हैं क्या? ये कोई बात नहीं होती है, मैं आरोप नहीं लगा रहा। भोपाल नहीं नहीं, भोपाल से भोपाल आप मुझे बताइए, भोपाल नहीं, अब बस अब इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है, मत इंटरप्ट कीजिए, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। आपसे निजी परिचित हूं मैं आपके ऊपर क्यों आरोप लगाऊंगा कोई सभी? भोपाल में जब भोपाल में कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी दिया और हारी वो, ये भी आपको पता है, और भोपाल का स्थानीय प्रत्याशी केएन प्रधान जीते थे क्योंकि वो यहीं के थे, तो कांग्रेस का इस बार स्थानीय प्रत्याशी को देगी क्या सब जगह? वो बात हम करें जो हमारी बात का कोई अर्थ निकले। पार्टियां सारे पार्टियां अपने हिसाब से तय करती हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जैसे भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को जो टिकट दिया था वो एक तरह से प्रयोग था, जो एक भगवा आतंकवाद का की एक जो थ्योरी कांग्रेस ने चलाई थी उसका देश भर में जवाब देने के लिए उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव में खड़ा किया था, और पूरे देश में खासकर मध्य प्रदेश में ऐसा माना गया था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ था और 29 में से 28 सीटें जीती थी। और इस बार तो घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी का चेहरा और कमल का निशान, इसको लेकर हम पूरे देश में सारी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो कहां से किसको टिकट मिलता है ये बहुत ज्यादा मायने इस चुनाव में कम से कम मुझे लगता है कि नहीं रखता है जी, ठीक है। अब सवाल यह है कि जिनको अपनी राजनीति बचानी है वो टिकट के लिए प्रयास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये अवसर है मेरे हिसाब से कि वो समाज सिर्फ अपने नेताओं को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती रही है, अलग अलग फील्ड से लोगों को, वो खिलाड़ी हों, अभिनेता हों, और अलग अलग फील्ड के जो हों, आर्मी के लोग भी, जैसे लेफ्टिनेंट अपने जो जनरल बीके सिंह हैं, या इसके पहले उत्तराखंड में खंडूरी साहब मुख्यमंत्री रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत अच्छा अवसर है मेरे हिसाब से
कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का जिनका समाज में योगदान है और जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे नए लोगों को भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मौका दे, लेकिन वो समाज के लिए फिर कुछ करे, सबसे अच्छा समाज के लिए फिर कुछ करे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नहीं कि वो बीजेपी की लहर में या किसी की भी लहर में जीत कर आ जाए और उसके बाद उनका अटेंडेंस रहे शून्य, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही पार्टी 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 को ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए। जी जी ठीक है, यश भारतीय जी, कहीं ना कहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि प्रज्ञा ठाकुर जी जो हैं उनका तो कम से कम अटेंडेंस शून्य होना चाहिए। मोदी जी को कहना पड़ा तो मन से माफ नहीं करूंगा, गोट से कमे मंडन करके आ गई थी पार्लियामेंट में। ऐसे प्रयोग भी भाजपा के बहुत घातक होते हैं, तो हमारे भोपाल की अगर बात है तो मैं कहूंगा ये अंतर है बड़ा। ठीक है, अब बस आपकी बातें मैं आऊंगी। और यहाँ पर कांग्रेस को लेकर तो बीजेपी प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि उनके तमाम उम्मीदवारों के लेकर सियासी वजूद उनका खतरे में है, तो जरा आप अपनी पार्टी की भी चिंता कर लीजिए, वो भी अपनी पार्टी की चिंता कर ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन यश भारतीय जी, कहीं ना कहीं एज मिल जाता है अगर टाइम पर हम उम्मीदवार पार्टीज जो है वो अनाउंस कर देती है, तो यूपी में हमने देखा कि एसपी आगे रही इस मामले में। देखिए, पार्टी इसीलिए अनाउंस कर देती है कि जो प्रत्याशी होता है, जो चेहरा होता है, जिसके जिसको देख करके वोट मांगेंगे वो आगे करें और जनता के सामने रहे कि हमारे सामने प्रत्याशी कौन है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो मौजूदा सांसद जिनको वोट मांगा था, जो मैनिफेस्टो में था, चुनावी घोषणा पत्र में था, प्रज्ञा ठाकुर जी को रिपीट करेंगे? जो मालेगांव आतंक बम ब्लास्ट में आप आरोपी थी, आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या की आरोपी थी, उनको दोबारा रिपीट करेंगे जैसे उन्होंने किया था? अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो मुझे लगता है जरूर रिपीट करेंगे, नहीं तो इस फेलियर को मानना चाहिए अगर उनको रिपीट नहीं करें। दूसरा नाम शंकर लालवानी इंदौर से हैं, जो अलग सिंध प्रांत की मांग कर चुके हैं लोकसभा के अंदर। तो जहां ये एक साथ जोड़ने की बात करते हैं वहां अलग प्रांत बनाने की बात कर चुके हैं शंकर लालवानी जी, इंदौर के इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और तीसरी बात, जिस तरीके की अभी इनकी एक मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो खजुराहो छोड़ करके भागने वाले हैं, भोपाल आने वाले हैं? जिस तरीके खबरें आप मीडिया के साथियों ने बताया कि भोपाल से उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड दे कि अगर दोबारा नहीं बना रही है उनको वहीं से, तो इसका मतलब है कि काम करने में, विकास करने में क्षेत्र की जनता पे उनका वो विश्वास नहीं है और ये फेलियर है। और चेहरा बदल करके वो केवल एक चेहरा मोदी जी पे वोट मांगेंगे, उनका चुनाव चिन्ह मोदी है, उनका चेहरा मोदी है, व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, जिसको जनता चुनना चाहती है, जो इसी मामले में हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या और राजशाही ला रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं ला रहे। दूसरी बात, आज युवा सड़क पर है भोपाल की राजधानी में, नौकरी के लिए बेरोजगारी को देखते हुए, जो पटवारी परीक्षा घोटाला हुआ है उसको देखते हुए, सहकारिता मंत्री है विश्वास सारंग जी, उनके सामने कर्मचारी आज धरने पर बैठे थे कि तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो ये जो तनख्वाह नहीं दे पा रहे, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता हो, चाहे मनरेगा के हमारे कर्मचारी हो जो बहुत निम्न स्तर का काम करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, देश में सबसे कम तनख्वाह देने वाला काम, मजदूरी देने काम 221 रुपए देते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने, और लगातार हर वर्ग अपनी तनख्वाह के लिए बात कर रहा है। और आज फिर कर्जा लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी इनकम है 3,31,00,000 करोड़ और हम 3,38,00,000 करोड़ का कर्जा लिए बैठे हुए हैं। तो ये अगर उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार, तो जनता देख रही है। और इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में इनको जाना चाहिए, लेकिन ये दूसरी बातों को लेकर के जाएंगे, धार्मिक आस्थाओं को लेकर के जाएंगे, दूसरी बातों को दिखाएंगे, क्योंकि जो काम सरकार को जनता ने वोट जिस चीज को देख के दिया है वो चीजें देने में ये नाकाम है। आज ही मुरैना में गोलाबारी हुई है, गोलीकांड हुआ है, 9 महीने पहले एक परिवार के दिए गए थे। तो गृह मंत्री, मैं ये कहना चाह रहा हूं अपर्णा जी, गृह मंत्री अभी ग्वालियर आए थे, क्या देकर के गए? कानून व्यवस्था क्या देकर के गए? पूर्व डीजीपी की बेटी को हत्या हो गई ग्वालियर के अंदर, उसके मुख्य गवाह को अभी गोली मारी गई है 3 दिन पहले। नहीं, गोली लगी नहीं, उसे भाग गया वो अपराधी। अरे लगी नहीं, आप लगने का जो नहीं, मर गया मैं तो ये बात गया नहीं, नहीं मैं उसके गवाह, मैं क्लियर कर रही हूँ कि हाँ गोली फायरिंग की गई थी। ठीक है जी, समझ गई मैं आपकी बात। कानून व्यवस्था पे कब ब्रज गोपाल जी से जल्दी से एक छोटा सा आंसर, ठीक है चलता रहे सर आगे। ठीक है, नाकामियां ही नाकामियां हैं आपकी सरकार, हर मोर्चे पर फेल हुई है, उसके बावजूद भी ब्रजगोपाल लोहिया जी, क्या जादू आप लोगों ने किया हुआ है? कितनी नाकामियां, यही मुद्दे विधानसभा के टाइम पर भी थे, यही मुद्दे अब लोकसभा के टाइम पर भी गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी ब्रांड मोदी गारंटी बना हुआ है जीत की। देखिए अपर्णा जी, आप पूछती हैं कि हमारा जादू क्या है, हमारा जादू जो है
वो दिखाई देता है। 3 महीने पहले यश जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश आए थे और इसी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में वो ये कहकर गए थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, बहुत फर्जी पार्टी है, इसे वोट मत देना। हम क्या कहेंगे, तो गठबंधन कह रहा है अपनी खुद की एक लोकसभा सीट आपने ली है। ब्रजगोपाल जी ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी अगर अच्छी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी खुद तो व्यक्ति है नहीं, के साथ नहीं, नहीं मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं वो जब आपके यहाँ जाते हैं तब वो क्या होते हैं, आप सुनते रहे मेहमान है उनको भी शामिल करना है। अच्छे से सुनना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं उनकी बात और अच्छे से सुनना चाहता हूँ कि वो कांग्रेसी कौन होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, उन कांग्रेसियों के बारे में भी बता दीजिए। वो आरपीएल सिंह जी को जो राज्यसभा भेज दिए जाते हैं, वो अशोक चौहान जो राज्यसभा भेज दिए जाते हैं। यश भारतीय जी आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ मैं, आप तो बहुत आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष गिनवा कर गए, वही हम गिनवा रहे हैं जी, ठीक है। निवेदन कर रहा हूँ, आपकी सरकार है भाई, आपकी सरकार भाई अभी कहकर गए हैं, आपके कच्चों कर्जा लेना पड़ता है आपकी आमदनी से ज्यादा, उस पे जवाब दीजिए। नहीं नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो ये जवाब क्या दे रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने बात करी थी एज मिलने की और आप भी पहुंच गए थे बीजेपी पर, तो आप भी सुन लीजिए ना उनका जवाब भी, भूमिका तो वो भी बांध देंगे ना, जवाब दिया तीन टाइम तो वो भी लेंगे, तो उनको भी मौका दीजिए जवाब देने का, सुन तो लीजिए उन्हें। अपर्णा जी, जी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडल नहीं है, बिल्कुल सच है अब्बास भाई, यदि मार्गदर्शक मंडल होता और किसी का मार्गदर्शन आपके राजकुमार मांगते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। तीसरी बात मैं आपसे एक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप अभी कह रहे थे कि प्रज्ञा जी बाहरी थी भिंड में, इटली से आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना और अमेठी से जाकर वायनाड से चुनाव लड़ना और रायबरेली से जाकर मेंढक की सीट से चुनाव लड़ना, ये स्थानीयता है, और भिंड का व्यक्ति भोपाल से लड़े तो गैर स्थानीय है। थोड़ा जब भी आप कहें तो कृपया अपनी समीक्षा कर ले, स्वयं की समीक्षा भी करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, हम गरीब कल्याण और विकास के मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करके चुनाव में जा रहे हैं और इस चुनाव में इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि जो एक सीट हमारी छूट गई, मेरा वही तो सवाल है, तनखा नहीं दे पा रहे हैं, 2000 जवाब दीजिए ना, आपके पास जवाब नहीं है, आप देखिए मैं आपसे फिर जवाब जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कह दी वो कह दी ना, एक और मेहमान जैसे तो नहीं ना कि शांत हो जाइए, एक और मेहमान है डिबेट शामिल कर रहे थे, फिर आगे मैं आपके पास आऊंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, धन्यवाद। पहले तो सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। कट कट के आ रही है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं कहना चाहता हूं, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें उसके बाद दिखाया करें। इन्होंने लगातार बहुत सारी बातें की कि वो यहाँ से हैं, वो वहां से हैं, वो वहां से हैं, वो वहां से हैं। अरे मेरे भैया, आप खुद के परिवार, अरे भैया सुनिए, बीच में मत बोलिए, लग रहा है कांग्रेस ने किसी नर्सरी के बच्चे को उठा के यहाँ प्रवक्ता बना के बैठ दिया, आपको सेंस नहीं है, पहले सीख के डिबेट कैसे करते हैं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, पहले सेंस सीख के डिबेट कैसे करते हैं, यहाँ बात करने की नहीं, मत करो, ये भागने वाले लोग जो है ना मुझे ठप्पा देने की जरूरत, कागज चेक करा लो पहले, तो कागज चेक करा लो अपने, समझ में आ गया, नेता हो तो होना, राजनीतिक दीजिए, बन के बैठो, अरे जब विश्लेषक होगा तो वो आप लगाइए, आप समझ में आ गया, आप अपनी जमीन को देखिए,
यहाँ मुझे जान मत दीजिए, समझ में आ गया? पहले जाके ना सीख के आओ कैसे बात होती है, समझ में आ गया? यहाँ बीच में मत बोलो, आपको पूरा सुनाना, मैंने सुनाना, मैंने आप क्या बोल रहे हो बीच में? अगर भाजपा के नेता हो, संघी हो, तो बोल के बैठो, एक बड़ा चैनल है, कौन इनका डुप्लीकेट? ये जो पट्टा पहने बीजेपी का बैठा हुआ है, राजनीतिक विश्लेषक कौन आ गया भैया? भाजपाई, एक मिनट, नहीं नहीं देखिए, नहीं आप आपत्ति है, ये भारतीय जी को आपत्ति है, सबको आपत्ति है, इसको भाजपाई लिखिए तब तक पहले, आपका चैनल एक साथ रखता है, आपका चैनल एक भरोसेमंद चैनल है, ये भाजपाई नहीं बैठेगा, ये भाजपा ही नहीं बैठेगा भैया, यहाँ पर बीजेपी का जनता के सामने कौन है? आपसे समय फर्जी आदमी कौन है? शांत हो जाइए, कौन है फर्जी आदमी? कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये फर्जी आदमी कौन है? नहीं चलेगा साफ बात, ये जो नाम बदल रहा है, भेड़िया भेड़िया शेर की खाल बना के भाजपा का व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक देख के आपको गुमराह कर रहा है ना? सबका बैठ रहा है, खाल पहनने की क्या जरूरत है? डाल दीजिए, बैठ जाइए, खाल की खाल पहनने की जरूरत क्या है? खुल के आए ना भाजपा प्रवक्ता, खुल के आइए भाजपा प्रवक्ता। अरे ये झूठा आदमी बन गया है यहाँ पे, आपके इतने बड़े चैनल में गुमराह करके ये भाजपा का सक्रिय सदस्य चुनाव लड़ रहा है, बाकी देखिए डाउन कर दीजिए, ये व्यक्ति भाजपा ही है, सबका फेडर डाउन कर दीजिए। पीसीआर, समय व्यर्थ करने के लिए नहीं हम महा डिबेट करते हैं ना, आप लोग सिर्फ समय जाया कर रहे हैं ग्राउंड पर भी और यहाँ स्कूलों पर भी। नहीं नहीं, चर्चा तो उससे की जाएगी ना जो चर्चा के लायक। लेकिन एक बात बताइए, एक बात, का आदमी अगर बैठेगा तो हमें आपत्ति है, आपत्ति है, राजनीतिक विश्लेषक अगर भाजपा ही बैठेगा बन के हमें आपत्ति है, भाजपा का प्रवक्ता मंजूर है, पत्रकार अगर भाजपा की बात करें यहाँ पर बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के भाजपा ही बैठेगा, बैठे हुए यहाँ पर भाजपा के नेता है, वो संघ के कार्यकर्ता। अरे आप और यहाँ आप लोग चुप होंगे, नहीं आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, रुक जाइए, शांत हो जाइए, सबको सब शांत हो जाइए, सबका फेडर डाउन कर दीजिए, डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए। देखिए वो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के हैसियत से है तो उन्हें समय दूंगी मैं, बुलाया है हमने उन्हें, काम नहीं करते ना, हमारा पुराना सारा समय आपने वेस्ट कर दिया। नहीं व्यक्ति को प्रकाश जी ने बात कही है, शांत कर दीजिए, इनको बैठ डाउन कर दीजिए, बैठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप भाजपा नेता लिखिए, अरे आइडेंटिटी छुपा के आप सबको गुमराह क्यों करेगा? ये मंजूर नहीं, हमें मंजूर है ही नहीं, जो गुमराह उससे आप उसके आप व्यक्ति की। अरे आप लोग सारा समय व्यर्थ कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा है इस स्मार्ट डिबेट से, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ना बात हो पाई है किसी मुद्दे पर, ना कोई विषय पर हम समझ पाए हैं, चर्चा कर पाए। ये राजनीतिक विश्लेषक हटा दीजिए, नहीं आप ही बताएंगे ना, आप ही बताएंगे कि किसे बुलाने का नहीं बुलाना है, आप ही बताएंगे, राम भक्तों का हत्यारा लिखवाइए अपने नाम के आगे, आप ही बताएंगे, व्यक्ति को अपना आपके चंद्र का दुरुपयोग क्यों कर रही है, क्यों कर रहे दुरुपयोग आपके चंद्र का? नहीं ठीक है, यह राजनीतिक विश्लेषक नहीं, क्यों मान लें उसको, जनता भी बोल रही है व्यक्ति को, जनता उसको राजनीतिक और वो बीजेपी का नेता है, आप लिखिए भाजपा नेता, आप लिखिए भाजपा का, एक मिनट, सबका फेडर ऑफ करके देखिए, जनता ने देखा कि आपने किस तरह समय व्यर्थ किया है, ना मुद्दों पर बात की है, ना ही आपने किसी विश्लेषण को पॉजिटिवली लिया है। आज जीतू पटवारी कह रहे थे, बात कह रहे थे पॉजिटिविटी की, लेकिन कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि आप कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर यह सोचना होगा तमाम सियासी दलों को। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।